अरे डार्लिंग, साथ जी तो नहीं पाए, साथ मर तो सकते हैं ना। चलो आंखें बंद कर लो। हे, चीटिंग? हाँ, मरते वक्त चीटिंग नहीं करते, आंख बंद कर लो। वन टू 2.5 2.9 एंड अरे उठो, अरे दादाजी उठो, अरे उठो दादाजी। अरे आप है ना अजीब आदमी हो, अच्छा खासा मरने के लिए कूदे थे हम दोनों लोग और आप बीच में आ गए। तुम दोनों ने मुझ पे कूद कर मेरी कमर दी तोड़ इसदा, तुम क्यों दुनिया रहे हो छोड़ इसदा। बस दादाजी, अब हम जीना नहीं चाहते। चलो डार्लिंग, कहीं और चल के मर। चलो चलो चलो। Well, अब तुम दोनों को ले जाऊंगा मैं चौकी इसदा, मेरी बीवी ने हफ्ते में 10वीं बार बनाई लौकी इसदा। चलो एक दूजे के लिए के कमला हसन और रति अग्निहोत्री क्यूएस क्यूटी कयामत से कयामत तक के जूही और आमिर। घना शौक चल रहा है जान देने का। मैडम शौक तो शादी करने का चढ़ रहा है, इश्क धर्मेंद्र है। अबे ईसा घोरा धर्मेंद्र, लेकिन जिंदगी जितेंद्र होवे, एवरग्रीन जितेंद्र, समझे? क्यों जान देने पे इतना उतारू हो रहे हो दोनों? क्योंकि मैडम हम दोनों की शादी नहीं हो पा रही है ना, मोहब्बत माधुरी है। क्या बात है यार, मतलब ईश धर्मेंद्र है, मोहब्बत माधुरी है, तो प्यार क्या है? प्रियंका चोपड़ा और लव लव क्या? रणबीर कपूर। लव में सलमान खान था। ओह हाँ। Well, beauty, baby, बेटी, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट पालम is the है? दादाजी ना मौसी एयरपोर्ट ना पालम, बल्कि ये नहीं बन पा रहे हैं मेरे बालम। क्यों यार, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? भैया ऐसा है, फटाफट से यहाँ अपना इंट्रोडक्शन दो एकदम तत्पर होके, और सेकंडली ये बताओ क्यों जो है जान लेने की कोशिश की तुमने अपनी, क्योंकि आत्महत्या करने की कोशिश कानूनन जुर्म है। दोनों को लॉकअप में बिठा दूंगी मैं कान पकड़वा के, और फिर खूब विदाई के और जुदाई के गाने गाते रहना। मैडम मैं पुराना हूँ। कितना? मेरा नाम पुराना है। ओ, ये क्या बात हुई यार, तुम्हारे बाप आपको कोई नया नाम मिला नहीं? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम पुराना है, माई सेल्फ पुराना। पापी। नहीं नहीं पुराना मंदिर। नहीं नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि तुम दोनों को एक ऐसी चीज से इंट्रोड्यूस कराया जाए जिससे कभी हुए नहीं हो, माने सिविलाइजेशन। आओ जरा कल्चर सीखे। आओ कल्चर बीच में कहाँ से आ गया मैडम? कल्चर तो कल्चर की क्या बात है मैडम, कल्चर की तो कोई हुई नहीं है बात। आओ कल्चर तो हम बचपन से मैडम, कितना कल्चर। इतना? नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? कुछ चाय कॉफी मंगाऊं आपके लिए? हाँ तो भाई अपना नाम बताओ यहाँ तमाम व्यक्तिगणों को। नाम तो कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है मैडम।
और थारा के नाम है सागर जैसी आंखों वाले। ठीक से तो याद नहीं है मैडम, लेकिन प्रियतम या ललित किशोर ऐसा कुछ नाम है मेरा। अबे नेम प्लेट पे तो बिल्लू लिखा है। वेरी गुड, ये बीच में कोई नहीं बोलेगा। वाला। और तू तो कतई नहीं, बहुत टाइम से चल रहा है यो उम्र का लिहाज, वरना आसमान की खिड़की से झांक रहा होता अब तक। बोलो ये जल्दी बोलो। मैडम मेरा नाम है पुराना पांडे, इश्क धर्मेंद्र है। और मैडम मैं हूँ नई नवेली मिश्रा, मोहब्बत माधुरी है। मैडम असल में हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर वाले इस शादी के खिलाफ है। हम दोनों तकिया और गिलाफ है। मैडम अगर अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई ना तो हम जान दे देंगे। हाँ। जान कायर लोग देते हैं, जान देने की कोई जरूरत ना है। बुलाओ जरा इनके पेरेंट्स ने, बात करें। कभी कभी पुलिस को सोशल वर्क भी करना चाहिए। या गुड आइडिया। थैंक यू सर। चीयर्स। ओए होए 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 होए। सावे। घटिया आदमी। बैठिए बैठिए। वेल मॉम, शी इज लड़के का पापा इज द एंड ही इज लड़की की माँ इज द एंड शी इज लड़की के पापा इज द। ओहो तो आप लोग हैं वो महानुभाव जो दो प्रेमियों ने विवाह का दाना चुगने ना दे रहे। हाय हाय मैडम, ऐसे कैसे चुगलें दूं? हाय हाय। हाँ, बरेली वाली मौसी का खेत हो रहा है या अलीगढ़ वाले मौसा का गोदाम की चुगलें दे। आई बड़ी मैं हूँ चंदा, नाच दूं तो हार जाए गोविंदा। क्या बात कर रही है आंटी, इतना अच्छा नाचती है तो थोड़ा डांस दिखाइए ना हमको भी। मैडम देखिए, आप कुछ भी बोल ले, बंद दरवाजे खोल दे, मैं लड़की का फादर ओढ़ के फर्ज की चादर ये कह रहा हूँ, भावनाओं में नहीं बह रहा हूँ कि ये शादी नहीं हो सकती। कसम कवि सम्मेलन की, बीवी के भेलन की है। क्या बात, आप कवि हैं? जी हाँ, मैं हूँ कविवर प्रचंड मिश्रा, कसम कवि सम्मेलन की, बीवी के भेलन की। और आपको के लिख के इनविटेशन भिजवाऊं कुरियर से या जो है आपको सागर सुमन अर्पित करूं मैं, फिर दोगे तुमने अपना इंट्रोडक्शन? मैं वर का पिता हूं ऊपर की मंजिल में। और नीचे की मंजिल कौन हो रहा, वर की अम्मा? मेरा कहने का मतलब है मैं प्राचीन पांडे वर का पिता ऊपर की मंजिल में। Well, जब लड़का लड़की करने चाहते हैं मैरिजेस दा, तो आप उनकी खुशियों का क्यों बंद करना चाहते हैं गैरेजेस दा? हाँ यार, दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्शन क्यों ले रहे हो, करने दो ना शादी। हमें याद है आज भी वो चौराहा जहाँ हमारा स्कूटर और इनकी कार आपस में भिड़ गए, हम और ये मुटल्लो बीच सड़क पे गिर गए, फिर कार से इन्होंने निकल के हमें चपाट दे मारी, बीच बाजार इज्जत उतार दी हमारी, कसम कवि सम्मेलन की, बीवी के वेलन की। और वो आर जो तुमने सरे बाजार बिना पूछे हमारी मूछे नोच ली, मैडम इनकी बेटी को हम अपने घर की बहू तो क्या, हमारे पोते की अम्मा तक ना बनने दो ऊपर की मंजिल में। क्या बात है, सौदागर चल लिए यहाँ पर, बिल्कुल राजकुमार दिलीप कुमार हो रहे हैं। ऐसा है अपनी जो फालतू जिद है ना, इसके चक्कर में कांड होने वाला था। तुम्हारे दोनों के जो है ना बालक खुदकुशी करने चले थे। हाँ छलांग मार दी थी उन्होंने ऊपर से, वो तो भला हो गोपी का, इस पे गिर गए दोनों और ये उन्हें दोनों को पकड़ के यहाँ ले आया। इसलिए जरा सोच लो, एक दूसरे को अगर माफ नहीं कर रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने बालक खोने के बाद अपने आप को जिंदगी भर माफ ना कर पाओ। जिंदगी भर पछताते तुम लोग, रोते कलपते, लेकिन फिर भी तुम्हारे बच्चे वापस नहीं आते। और
Well, नीले गगन के तले इज्दा, आप दोनों लग जाओ गले इज्दा। सोच लो यार आराम से क्या करना है, या तो एक दूसरे के गले लग के कांधे मिला लो, या फिर अपने बालकों को कांधा दे देना। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए। अरे मैं तो सपने में भी ना सोच सके कि हमारे बालक ऐसा कदम उठा सके। जी अभी भी बैठे हो, शर्म ना रही, गले लगो। मेरे नहीं। आओ आओ लगो गले। क्या बात है, वेरी गुड। आइए भाभी जी। बस लग गए ना गले, हो गई दोस्ती, अब इतनी भी नहीं करनी। आंटी थैंक यू, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपकी वजह से खत्म हुई हमारी दुश्मनी। मतलब अब हम धूमधाम से अपने बच्चों की शादी रचाएंगे, बड़ी खुशी होगी अगर आप सब भी आएंगे। हम जरूर आएंगे, इन द मीनवाइल आप जो है अपनी बीवी को काबू में रखें। है जी, और अपने बच्चों से बाहर जाके मिलने, वो जीप में बैठ के आपका वेट कर रहे हैं। जाओ जी, आइए सुन लीजिए। अच्छा क्या बात है बिल्लू, रो क्यों रहा है बे? कहीं कमर्शियल साहब निकल तो नहीं लिया? ये अच्छा अच्छा कुछ नहीं, ऐसे ही मजाक कर रहे थे। बोल क्या हुआ बता, कुछ और तो नहीं हो गया? अच्छा अच्छा कुछ नहीं, बता क्या हुआ? सर क्या किया सर आपने? सर आप बिना एक नंबर के, मतलब क्या सर, सर ऐसा क्या कह दिया आपने बिल्लू से कि उसकी आंखों की गंगा जमुना बह पड़ी? ऐसा क्या बोल दिया आपने उसको कि सर उसके उसके भावनाओं का सुनामी फूट पड़ा? बताइए सर, बोलिए सर, आपको बताना पड़ेगा आपने उससे क्या कहा है सर, बोलिए सर, इस तरह चुप मत रहिए सर, बोलिए। पान अबे हमने कुछ नहीं किया बे, पहले से रो रहा था लड़कियों की तरह। Well, everybody cool is the, कहीं बिल्लू फिर से तो नहीं गया भूल is the? नहीं, मैं कुछ भूला नहीं, और मैं अगर भूलने की कोशिश कर रहा हूँ ना तो भी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। अब बताना बे क्या हुआ, बताना क्यों रो रहा है इतना? कुछ हुआ ही नहीं है ना, पूरी दुनिया का हो गया, बस मैं ही रह गया हूँ, और मेरा कभी होगा भी नहीं। क्या बोल रहा है यार बिल्लू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बता। सबका हो गया विवाह, शादी हो गई सबकी, लेकिन मेरी नहीं हो रही है। मैं बस कुमारा का कुमारा बैठा हुआ हूँ यहाँ से वहाँ, बस मैं गंगाराम हूँ वो जो कुमारा रह गया। कोई बात नहीं बिल्लू, कोई बात नहीं, होता है, ऐसा होता है, लोगों के साथ होता है, हम भी तो है ना कुमारे तेरे साथ। कोई बात नहीं बेटा। प्रीति डार्लिंग, ऐसा है तुम्हारा संजय जो मंडी परिसर से आज जल्दी वापस आ गया सिर्फ तुम्हारे लिए। सुनो ऐसा है, अब स्कूटर पे बिठा करके तुम्हें लेकर के जाएंगे, पहले वो जो नाबेंटी सिनेमा के पास में चाट का ठेला है ना, वहाँ खिलाएंगे तुमको गुलगप्पे, उसके बाद जो थोड़ी रबड़ी खाएंगे दोनों मिल के, और उसके बाद फिर गोमती किनारे बैठ के ना रोमांस करेंगे, बताएं कैसे। यो कुछ हुआ था क्या? तूने हमें छुआ था, याद रखना बे, हम तुझे इमोशनल सपोर्ट दे रहे थे, तूने फायदा उठाया है हमारा। तेरी शादी ना नहीं होगी, लड़की मिलेगी ना तेरे को। रोने से क्या होगा यार बिल्लू, जाके अपने जीजू को बोलना कि तुझे शादी करनी है, बोल जाके। बोला था मैंने, मैंने कहा था अपने जीजू को, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने दीदी को भी बोला था, लेकिन वो तो मुझे अभी भी दूध पीता हुआ बच्चा समझती है, मेरा तो कोई नहीं है, कोई है ही नहीं मेरा। ऐसा मत कह बिल्लू, अभी जिंदा है तेरा भैया इज्दा, तेरी शादी का करवा के रहेगा ताता थैया इज्दा। हाँ बिल्लू देख, जैसे ही कोई लड़की मिल जाए ना, तू हमें आके बता, हम लोग तेरी शादी करवाएंगे। बस भगवान अब मुझे उस लड़की से मिलवा दे।
आइए देखिए, ये मार्केट में नया है, भिजवा दूं? अच्छा है, भिजवा दीजिए एक। ओके। अरे सर, आइए सर। सर आप मतलब एकदम अचानक? नहीं, वो एक जरूरी काम से आना हुआ। क्या हो गया सर? चोरी हो गई यार। तूने बताया नहीं यार? इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में चोरी हुई है, और वो भी ताला तोड़ के चोरी हुई है। तो क्या है मिस चौटाला कि ये मेरे अच्छे पहचान वाले हैं, तो इसलिए मैं खुद इनके साथ यहाँ पे आया। जी, जो अपने घर पे जो वो LCD टीवी लगा हुआ है फ्री वाला, वो आप इन्हीं की दुकान से लाए थे? क्या मुझे एक जरूरी काम याद आ गया मिस चौटाला, मैं चलता हूँ। आप इनका केस जरा ध्यान से देखिएगा। सर जी, जो वो जो परसों फ्री का DVD प्लेयर आप लाए हो, वो भी इन्हीं की दुकान से लाए हो? आपकी दुकान से ताला तोड़ के चोरी की गई है? ताला तोड़कर ही चोरी की जाती है। मतलब कि ताला तोड़कर ही चोरी की गई है। मच्छर था। मैं खुश हूं। हैं? ओ, आपकी दुकान से ताला तोड़ के चोरी कर ली गई है और आप खुश हैं? अब मैं खुश हूँ, ये मेरा तकिया कलाम है। यो! Well bro, what is the name is the? चंडीगढ़ में ट्रैफिक जैम is the? चिंतित, चिंतित चतुर्वेदी मेरा नाम है, मैं खुश हूँ। क्या क्या आइटम चोरी हुआ है आपकी दुकान से? एक LED, एक LCD, एक फ्रिज, एक TV, एक मिक्सर ग्राइंडर, एक जूसर और एक माइक्रोवेव, ये सब चोरी हुआ है, मैं खुश हूँ। एक मिनट, ये चोर ने चोरी करी है कि अपना घर बसाने के लिए सामान उसने खींचा है? मैडम, ये कोई चोरों का गैंग नहीं लगता है, ये तो कोई बेचारा जरूरतमंद होगा। चलिए ठीक है, हम आएंगे आपकी शॉप में शाम को जायजा लेने। आप आइए, वेलकम, लेकिन मैं आपको दुकान पे नहीं मिलूंगा। क्यों यार, तुम कहाँ हो गए? गेंदा गदरीली की महफिल में या चुन्नू चवन्नी के मुशायरे में? वो क्या है कि मेरे एक जानने वाले हैं, उनके बेटे की शादी है, तो इसलिए मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। मैं खुश हूँ। ठीक है भैया, आपके यहाँ चोरी हुई है, आप दावतें खाइए, और हम जो सरकारी नौकर है ना, हम अपनी आंखों में तेल डाल के खुद डंडे वंडे लेके बजाने आ जाएंगे ड्यूटी। ओके, चलिए जाइए। सॉरी, प्लीज। यो, किसकी हिम्मत पड़ गई हमारे इलाके में इस प्रकार की चोरी करने की? देखना पड़ेगा कौन आ गया नया चोर।